जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी डिस्कशन चल रही थी मल्टीप्लायर के हवाले से, और मल्टीप्लायर को हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कंजम्पशन और एमपीसी, उसके हवाले से डिस्कस किया था। और ये चीज सीखी थी कि हमारे अगर हम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी चेंज लेकर आते हैं तो उससे हमारी नेशनल इनकम के अंदर ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट नेशनल इनकम के अंदर ज्यादा मिकदार में चेंज आती है। तो कल में एक डिस्कशन हमारे कह रहे थे कि क्या सिर्फ कंजम्पशन की बात करेंगे हम, क्योंकि हमने विड्रॉल्स के अंदर देखी थी कि कंजम्पशन के अलावा भी तो हमारी नेशनल इनकम में से जब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के अंदर देखा था तो कुछ चीजें हमारी विड्रॉ हो जाती थी, वो इनकम फ्लो आगे उस तरीके से चलता नहीं था। उसको हम पढ़ते हैं के एक्सटेंशन, मल्टीप्लायर एक्सटेंशन के नाम से। क्या क्या चीजें थी जी हमारी जो के कंजम्पशन के अलावा विड्रॉल्स थी, कौन सी थी? सेविंग्स, देन टैक्स एंड देन इंपोर्ट्स। ये तीन चीजें थी ना, ये तीन चीजें थी हमारी जो सेविंग्स टैक्स एंड इंपोर्ट्स जो एमपीसी के अलावा हमारा जो एमपीसी का कॉन्सेप्ट था उसके अलावा। सेविंग्स तो कंजम्पशन एमपीएस और एमपीसी की बात हमने देखी थी, एमपीएस इसकी बात की थी जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस के साथ, एंड के आई जो हमने अभी पढ़ा है मल्टीप्लायर ऑफ इन्वेस्टमेंट वन ओवर एमपीएस, इसको हमने पढ़ चुके हैं। एमपीसी एमपीएस से रिलेटेड दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। क्लियर है? अली, अलीशा, फिजा, हमदान, निमरा, सदफ, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मल्टीप्लायर को हाउ वी कैन कैलकुलेट, जो ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है के इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एमपीसी, यही फार्मूला जो था उसको हमने वन ओवर एमपीएस कह दिया, कोई उसके अंदर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देन टैक्स आ गया कि टैक्स के मामले में क्या करना है, उसको हम कहते हैं एमपीटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स एंड डिनोटेड बाय स्मॉल टी, डिनोटेड बाय स्मॉल टी। इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है? सिंपल, जो हमारे पास पहले से आ रहा है दैट विल बी कॉल्ड के जी वन ओवर एमपीएस, ये तो पहले के फॉर्मूला था ये वाले, प्लस एमपीटी। एमपीएस प्लस एमपीटी, कोई उसके अंदर मजीद चेंज नहीं, यानी के जी इक्वल टू वन ओवर स्मॉल एस प्लस स्मॉल टी, एमपीएस प्लस एमपीटी, ये फॉर्मूला होगा। और एम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट डिनोटेड बाय स्मॉल एम, एंड आवर के एम विल बी वन ओवर एम पी एस प्लस एम पी टी प्लस एम पी एम।
marginal propensity to import, and that is Km is equal to 1 over S plus T plus M. जी निशा निशा का नेट डिस्ट्रैक्ट हो गया था. हमने कहा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हमने कुछ विड्रॉल्स पढ़ी थी. पढ़ी थी याद है? तो विड्रॉल्स ही क्या होती थी? क्यों कल हमने क्या देखा था? हमने कहा कि कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमारी नेशनल इनकम के अंदर इजाफा होगा. तो कल के दिन हमने सिर्फ एक विड्रॉल को डिस्कस किया था, सेविंग्स वाली विड्रॉल, एमपीसी वाली, कि कंजम्पशन और एमपीएस, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस मिला के हमने देखा था वो इक्वल होती थी. तो कल के दिन में हमने सिर्फ इसकी डिस्कशन की थी, सेविंग्स वाली विड्रॉल की. आज हम उसको मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं. हमने कहा कि हम टैक्स को भी देख लेते हैं और हम इम्पोर्ट्स को भी देख लेते हैं. टैक्स और इंपोर्ट्स को जब देखा तो उसका फार्मूला हमने देखा कि क्या करें. तो एमपीएस के आगे टैक्स के लिए सिर्फ एमपीटी करते हैं, और जब इंपोर्ट की बात करें तो एमपीएस प्लस एमपीटी प्लस एमपीएम, इन तीनों को करते हैं. दिस इज द फार्मूला, सादा सादा सा. आप मल्टीप्लायर की कैलकुलेशन आपसे कहे कि इंपोर्ट से रिलेटेड एमपीएम भी आपको दे, तो एमपीएस 1 ओवर एमपीएस प्लस एमपीटी प्लस एमपीएम कर लें तो आप इंपोर्ट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के केएम इंपोर्ट मल्टीप्लायर, केटी टैक्स मल्टीप्लायर. सादा 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 सी बात हमने की, कोई हमने कोई इसके ज्यादा कॉम्प्लिकेशन डालने की कोशिश नहीं की. लेट्स गो टू द बुक मल्टीप्लायर इफेक्ट एक्सटेंशन. उसने कहा कि मॉडर्न रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम, the percentage of income that is paid to the government in the form of tax, it is also known as the marginal propensity to tax, MPT. 1 over multiplier with taxes, multiplier 1 over MPS plus MPT, marginal tax on income. Marginal propensity to save 3.2, marginal tax on income 0.2. 1 over 0.2 plus 0.2, that is 2.5. ये मल्टीप्लायर आ गया, टैक्स मल्टीप्लायर, कि आपका 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी आउटपुट के अंदर 2500 रुपए का इजाफा करेगी. क्लियर है? पहले 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कितना इजाफा करती? 1000 into 1 over MPS, simple. इसको देखिए, ये क्या निकलता? क्या कैलकुलेशन आती थी? पहले 1000 की इन्वेस्टमेंट करते तो हमारी नेशनल इनकम के अंदर 5000 का इजाफा होता. अब टैक्स की वजह से कि उतने ही पैसे हमारा सेविंग में निकल गया, उतना ही पैसा हमारा टैक्स में निकल गया, तो अब 1000 की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2500 का हमारी नेशनल इनकम पे दर इजाफा कर रही है. क्लियर है? अब आगे चलते हैं. एमपीएम आ गया, एमपीएम मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, द परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी मल्टीप्लाइड विद टैक्सेस एंड इंपोर्ट, एमपीएस प्लस एमपीटी प्लस एमपीएम. और वही दी दी आपको लगा दी कि 0.2 इज दिस एमपीएस, 0.2 इज दी एमपीटी एंड 0.1 इज दी इंपोर्ट. 0.2 0.2 0.1 1000 इन्वेस्टमेंट इफेक्ट आउटपुट इज 2000. अब वो 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो पहले सिंपल हमने सेविंग्स के साथ देखी थी तो वो हमें 5000 की आउटपुट दे देता था. अब 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जब टैक्स के साथ देखी तो सिर्फ 2000 की आउटपुट देता था, और जब हमने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट के इफेक्ट के साथ भी देखी तो सिर्फ 2000, यहाँ पे 2500 रुपए का 2000 की आउटपुट.
तो ये के एक्सटेंशन मल्टीप्लायर एक्सटेंशन कहलाती है हमारी बातचीत में, सभी हम देख चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द व्हाट वुड से एक assumption की मल्टीप्लायर्स किस तरह से काम करेगा, वो इनसे बात है प्रीरेक्विजिट्स। assumptions क्या थी, प्रीरेक्विजिट्स कि हमने ये बात तो कह दी कि इन्वेस्टमेंट में आप इजाफा करेंगे सर्टन, तो आपके मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से नेशनल इनकम के अंदर आपके बहुत ज्यादा इजाफा होगा, उसकी नस्बत कुछ मल्टीप्लाइड सम मल्टीप्लीकेशन का इम्पैक्ट आएगा, कुछ इम्पैक्ट ज्यादा आएगा निस्बतन इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। लेकिन उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या है, अजम्पशंस क्या है। अजम्पशन कहते हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहला बात तो ये कहनी कि भाई जान अगर आपकी एमबीसी ज्यादा होगी तो आपकी इनकम के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आएगा, अगर आपकी एमबीसी कम होगी यानी कि आप सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो आपकी नेशनल इनकम के ऊपर इजाफा डेफिनेटली उतनी मिकदार में नहीं आ सकेगा। जब आप विड्रॉल कर लेंगे ज्यादा पैसे सेविंग्स की मद में विड्रॉ करके आप नेशनल इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से निकाल लेंगे तो लामहाला आपकी जो सर्कुलेशन है इनकम की वो कम हो जाएगी। देन टैक्स रेट, फिर वही बात, अगर टैक्स रेट हाई है नेशनल इनकम में से ज्यादा पैसे टैक्स की जरूरत में सर्कुलर फ्लो में से निकल जाते हैं तो सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट किसके लिए था, मल्टीप्लायर इफेक्ट था कि इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आपकी कंजम्पशन के अंदर इजाफा करेगी। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट की लेकिन आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ही नहीं बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ी, कंजम्पशन नहीं बढ़ सकी, आपकी फॉल इन एग्रीगेट डिमांड आ गई, तो आप इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा भी करेंगे तो ही यू विल नॉट बी एबल टू मेक मोर इनकम और नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। एग्रीगेट डिमांड क्या थी, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा किया, इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन में भी कमी आ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी कमी आ गई, इसमें भी कमी आ गई और आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा करने से आप तो ये चाह रहे थे कि हमारी नेशनल इनकम के अंदर इजाफा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम योर एग्रीगेट डिमांड हैज फॉलन डाउन, चाहे वो कंजम्पशन की बात में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात में, वो फॉलन डाउन होगी, वो गिर गई। तो उस गिरने की वजह से भी यू विल नॉट बी एबल टू सी द सेम लेवल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सेम लेवल ऑफ इंक्रीज इन योर नेशनल इनकम, क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही नहीं है, एग्रीगेट डिमांड में कमी आ गई। सपोज ए लोकल फैक्ट्री क्लोजेस रिमूविंग द इनकम ऑफ मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी from which survived of their consumption then lose their income and so on. Aggregate demand कम होने से तो definitely आप investment बढ़ा के सिर्फ aggregate demand सिर्फ investment बढ़ा के consumption नहीं बढ़ा सकते या national income नहीं बढ़ा सकते, साथ में आपको other factors भी देखने हैं कि ये other factors वो भी साथ साथ चल रहे हैं। Supply side capacity of the economy ये हम क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लायर की बात क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन नेशनल इनकम, इस तरह का रेशियो हमने देखा, दैट इज रेशियो इज मल्टीप्लायर। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है,
तो हम क्या नई इन्वेस्टमेंट से हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई थी पहले फूड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो क्या हम बढ़ा सकेंगे? नई इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करने से हमारी एग्रीगेट डिमांड शायद बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है लेकिन आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट में है तो आप अपनी नेशनल इनकम को तो इजाफा नहीं कर सकेंगे ना। नेशनल इनकम क्या थी जी? क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? आर यू विद मी? हमें अगर तो हमारे एग्रीगेट डिमांड होती, फॉर एग्जांपल हमारी एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे थी, हमने इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया, हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होने से एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे आ गई, तो पहले नेशनल इनकम यहाँ पे थी, अब नेशनल इनकम यहाँ पे चलेगी, तो हम कह सकेंगे कि वाई वन से वाई टू पे हमारी नेशनल इनकम चलेगी, हमारी नेशनल आउटपुट इंक्रीज कर ली, हमने अपनी नेशनल इनकम में इजाफा कर लिया। ऐसे ही है ना, आउटपुट अगर हमारी पहले से ही आउटपुट अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर है और हम एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड थी, हम इन्वेस्टमेंट में मजीद इजाफा करते हैं, हमारी एग्रीगेट डिमांड आगे चली गई, लेकिन भाई जान हमारी इकोनॉमी तो सप्लाई साइड से इससे ज्यादा सप्लाई कर नहीं सकती, फुल इम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आके रुक जाती है, तो आपकी नेशनल इनकम इससे आगे जा ही नहीं सकती। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हमने देखा था मेजरमेंट के दो तीन तरीके, एक हमने प्रोडक्शन बेस किया था, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट है, आपने अपने रिसोर्सेज पहले ही यहाँ पे फुली यूटिलाइज करनी है। अब अगर आप एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करते भी हैं तो आपकी इकोनॉमी तो इस रिसोर्सेज की फुल एम्प्लॉयमेंट पे आके जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है दैट विल बी इम्पैक्टेड थ्रू सप्लाई। If there is no spare capacity, जैसे मैं बात की, in the economy, and indeed the government investment may lead to inflation, which would lessen the real effect of the investment. Inflation का effect भी आएगा। Prices का तो इधर थी, इधर से aggregate demand बढ़ाने से prices भी बढ़ेंगी, national income के ऊपर कोई फायदा नहीं आएगा। Inflation का effect आएगा, real income के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, the limitations, वो जो बातें जिनकी वजह से आपको हमें मसले मसाइल होते हैं उसमें सारी भी लिमिटेशन है जिनकी वजह से नेशनल इनकम चल सके या नहीं चल सकेगी, आपकी नेशनल इनकम में इजाफा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिफेक्टिव ऑफ मल्टीप्लायर एज अ टूल इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच दी एग्रीगेट डिमांड इज एबल टू शिफ्ट विद रिगार्ड टू एग्रीगेट सप्लाई। इफ एग्रीगेट सप्लाई इज फ्लैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, then other investment products can start at little change to the price level. जैसे यहाँ पे aggregate supply is, हमने aggregate demand को यहाँ से इधर shift किया investment process, तो price के अंदर कुछ फर्क नहीं आया, आपकी जो national income थी, जो products की जो आपकी वो increase कर गई। ये फिर आप जब supply आपकी inelastic होने लगी तो वहां पे आपकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया, और जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगी तो आपकी फिर प्राइस ही बढ़ेगी, कुछ और चीज नहीं बढ़ेगी। तो ये एक मेजर इसका इम्पैक्ट है मल्टीप्लायर का कि आपकी मार्केट के आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ स्पेयर कैपेसिटी अगर होगी तो इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट देगी, लेकिन अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं होगी तो फिर शायद आपके लिए माइनी इजाफा आपकी नेशनल इनकम के अंदर नहीं हो सकेगा। दूसरा कहते हैं इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि आप ये ना समझिएगा कि तो जादू की छड़ी आपके हाथ में आ गई है कि इन्वेस्टमेंट आप मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करें और नेशनल इनकम के अंदर आप इजाफा कर लें, क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी ग्रोथ भी चाहते हैं, अपने
जो नेशन है अपनी इकोनॉमी है इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसने कहा ये ना समझिएगा कि ये कोई तरीका हमने आपको दे दिया जिससे कि आप अपनी इकोनॉमी को जितनी ऐसे जादू की चिड़ी की तरह से आप इंक्रीज कर लें, इन्वेस्टमेंट में इजाफा करें और नेशनल इनकम के अंदर आपकी इजाफा हो जाए, मल्टीप्लाई इफेक्ट। इसको जरूर देखिएगा कि टाइम लैग होता है। आज अगर हम समझते हैं कोई हम डैम बनाना शुरू करते हैं तो वो डैम बनने में कम अज कम 5-10 साल लग जाएंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो आज हो रही होगी लेकिन उससे जो आपकी आउटपुट में नेशनल आउटपुट में इजाफा होना है वो शायद 5 साल के बाद जाके सकेगा। सो यू नीड टू सी दी मल्टीप्लायर, इफेक्टिवनेस ऑफ मल्टीप्लायर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम लैग। अगर कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको के आज ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आज ही उससे आउटपुट भी आना शुरू जाती है तो उसमें तो डेफिनेटली आपकी नेशनल इनकम के अंदर सर्कुलर फ्लो के अंदर आपकी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी और आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जिससे कि फिर नेशनल इनकम के अंदर चीजों को मामला में जाने में कुछ साल लग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम for them to pass on to the next agent. The overall effect may not be so dramatic. Itna dramatic effect na hai, humne apne khayal kiya tha ye aa gaya. So multiplier ki baatein hopefully aapki samajh mein aayi hongi ki multiplier hamara national income ko badhane ka ek tarika hai, zariya hai through the tool of the investment. Clear? तो मुश्किल को मसला मसाइल परेशानी जी कोई नहीं है सर। अब हम बात करना चाह रहे हैं एक्सीलरेटर प्रिंसिपल। एक्सीलरेटर एक्सीलरेटर प्रिंसिपल क्या है? ये अपना जो हमने मल्टीप्लायर भाईजान पढ़े हैं उन भाईजान का रिवर्स है। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये क्या आपने बात कही, केडी नहीं कहेंगे आपकी बात से काफी सारी मैं कर देता। के हमने क्या पढ़ा था? के हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन के हमने क्या पढ़ा था? Here was change in income over change in investment over change in income over change in investment ऐसे ही पढ़ा था और फिर उसको हमने कहा था कि change in income is equal to k time change in investment। This was the multiplier. Multiplier. Now we were discussing the accelerator. Accelerator is the beta. And that is change in investment over change in income. Or change in investment is equal to beta times change in income.
ये क्या प्रिंसिपल हुआ कि यहां पे हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं सेम वेरिएबल्स के दरमियान। कौन सी वेरिएबल्स हैं? चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। बट हियर वी आर लुकिंग टू इंक्रीज टू फाइंड आउट द चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। यहां पे हमारा व्यू पॉइंट डिफरेंट हो गया। मल्टीप्लायर के अंदर हमारा जो डिजायर वेरिएबल था वो था चेंज इन इनकम, कि जनाब हम इनकम के अंदर किस तरह से इजाफा कर सकते हैं। उसके लिए हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई कर देगी तो इनकम के अंदर इजाफा हो जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें तो आप नेशनल इनकम के अंदर इजाफा कर लेंगे। नाउ हियर आवर रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट हैज चेंज। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हाउ वी कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके के साथ इकोनॉमी के अंदर नेशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा किया जा सकता है, तो उसका रिलेशनशिप बताया कि साहब आप नेशनल इनकम के अंदर इजाफा करेंगे ना तो आप नेशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा कर देंगे। अगर आप नेशनल इनकम के अंदर इजाफा करेंगे तो आप नेशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा कर पाएंगे। नेशनल इनकम के अंदर थोड़ा सा इजाफा आपकी नेशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर ज्यादा इजाफे का बायस बनेगा। ऐसा ही होता तो फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एक फैक्ट्री में बैठा हूं, मेरी फैक्ट्री पहले से काम चलता रही है और वो फैक्ट्री बनाने के लिए मुझे शायद 10 करोड़ रुपया लगाना पड़ा था। अब उस फैक्ट्री से मैं सालाना 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल कमा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं जनाब अपनी एक और फैक्ट्री लगाऊं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी कुछ इनकम के अंदर इजाफा करना पड़ेगा ताकि उस इनकम में जो इजाफा हो उससे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी फैक्ट्री के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं। अगर मैं अपनी इनकम के अंदर इजाफा नहीं करूंगा तो दूसरी फैक्ट्री में नहीं लगा सकूंगा। ऐसा ही होगा, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को में इजाफा करने के लिए अपनी इनकम के अंदर इजाफा करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी इनकम के अंदर इजाफा नहीं करूंगा तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकूंगा। तो यही नेशनल इकोनॉमी की बातें मैक्रो लेवल के ऊपर भी, व्हेन वी आर लुकिंग टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट वी आर इन अनदर वे ट्राइंग टू इंक्रीज आवर इनकम सो दैट आवर इन्वेस्टमेंट कैन गेट एक्सट्रैक्टेड, कैन गेट इंक्रीज फ्रॉम द बूस्ट फ्रॉम द इनकम। अगर हम इनकम के इनकम से बूस्ट लेकर नहीं करेंगे तो हमें इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी नहीं मिलेगा। A minor change in output will lead to a major change in investment. So output में, for example, मैं कहता हूँ अच्छा जी मैं 1 लाख रुपया अपनी इनकम कमा रहा था, अब मैं यार चाहता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपया नेशनल इनकम आए, मैं अपनी सालाना महीने की इनकम सालाना इनकम बढ़ाने के लिए 2 लाख करना चाहता हूँ। तो पहले अगर मैंने 10 करोड़ की अगर फैक्ट्री लगाएगी तो फिर एक और 10 करोड़ की फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ेगी मुझे। मुझे माइनर चेंज इन इनकम अगर मैं लेकर आता हूं तो मुझे मेजर चेंज इन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता, माइनर चेंज इन इनकम आउटपुट, इनकम आउटपुट will lead to a major change in investment.
that is our change in investment is equal to beta times change in national income. For example, if we want to have, we want to find out, suppose we have change in income is equal to 100 and beta is equal to 2, then change in investment will be 2 into 100, that is 200. Change in investment for this change in income will be double of the time. अच्छा जी, एक्सीलेटर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो. What is this thing of in this energy capital? Capital output ratio. That is important. COR. Capital output ratio kya? How much capital stock is required to produce additional unit of output? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कि मैं 10 करोड़ की फैक्ट्री लाई तो 1 लाख रुपए की आउटपुट मिलती है, तो क्या अब एडिशनल अगर 1 लाख रुपया मैं कमाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? सर्टन मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 10 करोड़ की मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी. तो वो जो रेशियो है एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, एडिशनल आउटपुट के लिए, नेशनल इनकम में इजाफे के लिए, जितना कैपिटल स्टॉक मुझे चाहिए, जो कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट रेशियो बिटवीन द इन आवर इन्वेस्टमेंट एंड द आउटपुट, दैट रेशियो इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो. हमारी एग्जांपल के अंदर 10 करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख रुपए इंक्रीज करने के लिए, हर लाख रुपए के इंक्रीज के लिए मुझे 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए. हमारी जो एग्जाम्पल, ठीक है जी, कोई मुश्किल तो नहीं यहां तक? एक एग्जांपल ब्रिंट करते हैं जिससे कि हम अपनी किताब के ऊपर जो एग्जांपल है उस तक पहुंच सके, उसके लिए लेट्स गो टू डेमोंस्ट्रेट का. Accelerator principle, investment level in an economy are positively related to the change in the rate of GDP. National income is positively related. Or capital output ratio, output ratio 1 means that each unit of output, it must have 2 units in capital stock. Net investment rate is twice the change in output in order to meet future demand. Assumptions of principal accelerator. The basic assumption of the principal accelerator is constant COR, capital output ratio, constant capital output ratio. Real profit move with aggregate output with our real profit move content. And resources are considered to be elastic. Investment say hamara abhi fully employment ke upar nahi pahunche, elastic resources mein, inelastic pe nahi pahunche. Of meat supply curve. And money supply, especially credit money, is considered to be elastic. Logon ko investment ke liye paise maujood hain, money supply maujood hai, logon ke liye pareshani nahi hai ki investment kar nahi sakte. Aap investment badhana chahe, jaise ek factory
लगाने के लिए 10 करोड़ चाहिए थे, दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए 10 करोड़ आप लगा सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं ताकि हम अपनी बिल्ड कर सकें। लेट्स बिल्ड ऑन दिस। कहते हैं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो 2:1, यानी कि आपको जो कैपिटल स्टॉक चाहिए, अगर 200 रुपया है, 200 रुपए के कैपिटल स्टॉक के साथ आप 100 रुपए की इनकम कमा सकते हैं। जैसे ये जीरो के ऊपर देखें, 200 रुपए के कैपिटल स्टॉक था तो उसे 100 रुपए की हम इन्वेस्टमेंट इनकम कमा सकते थे। 200 रुपए का कैपिटल था, इन्वेस्टमेंट थी, तो हम उसे 100 रुपए की इनकम कमा सकते थे। अब कहा जी के ईयर वन के ऊपर चले जाएं। ईयर वन में क्या है कि हमारी आउटपुट में कोई इजाफा नहीं हुआ, आउटपुट में कोई इजाफा नहीं हुआ, 100 रुपए की इनकम ही कमानी थी। जब 100 रुपए की इनकम कमानी थी तो हमारा कैपिटल स्टॉक कितना रहा? कैपिटल स्टॉक सेम रहा, 200 रुपए का ही कैपिटल स्टॉक चाहिए 100 रुपए की इनकम कमाने के लिए, 200 रुपए का कैपिटल स्टॉक चाहिए। लेकिन एक चीज हमारी कम होगी, क्या कम होगी कि जनाब कैपिटल स्टॉक, कैपिटल जो चीजें होती हैं, जो मशीन है, जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है, वो डेप्रिशिएट भी होती है ना, तो आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। डेप्रिसिएशन रेट रहेगा 0.05%, यानी कि 5% ऑफ प्रीवियस ईयर्स कैपिटल, तो 5% वो डेप्रिशिएट हो जाती है पिछले साल से। तो हमारा अगर पिछले साल 200 का कैपिटल स्टॉक था तो इस साल तो वो 10 रुपए का तो उसके अंदर से डेप्रिसिएशन निकलती है, तो इस साल में वो स्टॉक सिर्फ 190 का रह जाएगा। पिछले साल वाला 200, उसमें से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इस साल में तो स्टॉक 190 रुपए का रह जाएगा। तो 190 रुपए के कैपिटल स्टॉक से हम 100 रुपी की आउटपुट नहीं ले सकेंगे, ऐसा ही है ना। तो 100 रुपी की आउटपुट लेने के लिए हमें 200 रुपए का स्टॉक, कैपिटल स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, उसकी डेप्रिसिएशन जो आ रही है वो इन्वेस्टमेंट हमें इकोनॉमी के अंदर लाएंगे। हमारा कैपिटल स्टॉक 200 पे मेंटेन होगा, 100 से प्लस 10, तो फिर हमारे इस साल के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हमारी नेशनल इनकम है, वो 100 के ऊपर मेंटेन हो सके। इसके लिए हमें ये इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 प्लस 3, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, वो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। कि हमें डेप्रिसिएशन भी तो जो हमारे चीजें खराब होती है उसको पूरा करना पड़ेगा, तो फिर ही हम कर सकेंगे। देन एडिशनली नेक्स्ट ईयर हमें 120 की नेशनल इनकम चाहिए, नेशनल इनकम में इजाफा 120 का चाहते हैं, तो हमारे पास कैपिटल स्टॉक कितना होना चाहिए? उससे 2 गुना, क्योंकि 2:1 हमारी COR है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, दैट मींस कैपिटल स्टॉक 240 का होना चाहिए। पिछले साल में 200 था, इस दफा 240, दैट मींस तो 40 तो हमें एडिशनल कैपिटल स्टॉक चाहिए, जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। और इस 200 के अंदर भी मसले आ गए थे, डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई थी, 10 रुपए की डेप्रिसिएशन भी हमें चाहिए, दैट मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें 50 रुपए की चाहिए। क्लियर? इस टेबल को पढ़ना आगे का मतलब, जी अली, टेबल को पढ़ना आगे, तो जी अलीशा, हमने कहा ये जो हम बात कर रहे हैं इस टेबल के अंदर, क्या हम बात कर रहे हैं कि जनाब आपका एक आउटपुट है और एक स्टॉक लेवल है, वो आउटपुट और स्टॉक लेवल 2:1 है जी। अब इस ईयर में, सेकंड ईयर के अंदर आपकी आउटपुट 100 से 120 पे चली गई है, आपने 20 रुपए की आउटपुट में इजाफा किया, तो 20 रुपए की आउटपुट में इजाफा करने के लिए आपको 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट में इजाफा चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल डबल चाहिए आपको उससे,
तो 240 रुपए की आपकी इस साल की इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक होना चाहिए। पिछले साल कितना था? 200 रुपए का। दैट मींस के 40 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक के अंदर आपको चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं नेट इन्वेस्टमेंट। कॉलम टू के अंदर हम इसको ले जाएंगे, टू के अंदर, और उसके ऊपर ऑल अबव 200 भी, तो आप 200 नहीं रहा, 200 भी तो 190 हो गया। दैट मींस के 10 रुपए उसकी डेप्रिसिएशन भी चाहिए। तो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू ये 50 हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की मद में अपनी इकोनॉमी के अंदर लेकर आना पड़ेगा, ताकि हम 120 की नेशनल इनकम हासिल कर सकें। हमारे पास कुछ तो कैपिटल स्टॉक मौजूद था 200 रुपए का, लेकिन एडिशनल 40 रुपए का स्टॉक भी चाहिए, प्लस जो डेप्रिसिएशन होगी थी वो भी चाहिए। तो दैट मींस के 50 रुपए की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारी नेशनल इनकम में तो फर्क कितना आ रहा है? सिर्फ 20 रुपए का। तो हमने कहा था कि माइनर चेंज इज इन ये माइनर चेंज इन इनकम या आउटपुट विल लीड टू मेजर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट मेजर चेंज करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 रुपए का सिर्फ फर्क आया था, लेकिन यहाँ पे 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर फर्क आया। 20 रुपए का फर्क आया था, 52 रुपए का इन्वेस्टमेंट में फर्क आया। 20 रुपए का फर्क आया था, 54 रुपए का फर्क आया। और एकदम से 0 रुपए का फर्क आया, लेकिन 54 से एकदम से नेशनल आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना फर्क आ गया? 16 रुपए आ गया। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आपकी माइनर और मेजर का अलग है, उतना ही जितना, ये नहीं है कि बराबर बराबर फर्क आएगा, माइनर और मेजर का फर्क है वो इसके साथ चल रहा होगा। जी लेट्स कंक्लूड, ऊपर ले लिया हमने, और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम इसको दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल के दिन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।